बीजापुर जिले में बीते दिनों 10 मई को पीड़िया के जंगलों में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर होती आ रही है। इस मुठभेड़ को ग्रामीणों ने भी फर्जी बताते हुए जवानों पर निर्दोष ग्रामीणों को गोली मारने का आरोप लगाया था। शनिवार को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मुठभेड़ पर सवाल उठाए और न्यायिक जांच की मांग की। श्री बैज ने कहा कि हमारी 8 सदस्य टीम घटनास्थल पर गई थी, जहां हमारी टीम को ग्रामीणों से मिलने पर रोका गया और पूरी कोशिश की गई कि सच सामने न आ सके। वही तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पूछताछ से साबित होता है कि सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर बाकी मृतक सामान्य जीवन यापन करते थे, जिन्हें पुलिस वालों ने नक्सली बताकर मार गिराया। मैं सबसे पहले बेमेतरा जिले के बोरसी के बारूद फैक्ट्री में हुए हादसे के मृतकों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इस मामले की जांच होनी चाहिए कि किसकी लापरवाही से यह दुर्घटना हुई। सरकार के द्वारा सुरक्षा के मानकों की जांच कब हुई थी, ये सार्वजनिक किया जाना चाहिए और पूरे मृतक और घायलों को संवेदना प्रकट करते हुए जो पिछले 10 तारीख को पीडिया में मुठभेड़ हुई, जहां पे सरकार ने 12 नक्सलियों को मारने का दावा किया था, लेकिन जस्ट उसके बाद वहां के ग्रामीणों ने, स्थानीय ग्रामीणों ने इस मुठभेड़ को उन्होंने फर्जी बताया और उन्होंने कहा कि ये घटना में निर्दोष आदिवासियों को जो जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे उनको नक्सली बताकर मारा गया, ये वहां के ग्रामीणों ने बताए। तो उसके आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस घटना की जानकारी लेने के लिए, हकीकत की जानने के लिए माननीय संतराम नेताम जी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय जांच दल का गठन किया और हमारी जांच दल उक्त घटना स्थल पर गई 16 तारीख को। जब हमारी जांच दल उक्त घटना स्थल पर पहुंचने के लिए, शासन ने उन्हें कई बार रोकने का प्रयास किया ताकि वो घटना स्थल तक ना पहुंच सके, ग्रामीणों तक ना पहुंच सके और हकीकत सामने न आ सके। इसके लिए सरकार ने हमारे जांच दलों को कई बार कई जगहों पर रोकने का प्रयास किया। पीड़िया मुठभेड़ में ग्रामीणों का दावा कि सभी मारे गए लोग नक्सली नहीं थे। कांग्रेस जांच दल ने भी गांव वालों से वस्तुस्थिति पूछा। मुठभेड़ की हाई कोर्ट की सिटिंग जज से निगरानी में जांच हो और साथ ही आदिवासियों के जान माल की कीमत पर कोई भी कार्रवाई या समझौता कांग्रेस को मंजूर नहीं है। बीजापुर के पीडिया में विगत दिनों सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई थी। 10 मई 2023 को हुए इस मुठभेड़ में 12 लोगों की मौत हुई थी तथा इस घटना में 6 लोग घायल हुए थे, जिसके संबंध में पुलिस का दावा था कि मारे गए सभी लोग नक्सली थे, लेकिन घटना के बाद पीडिया और इतवार के ग्रामीणों का कहना है कि घटना में मारे गए सभी लोग नक्सली नहीं थे। ग्रामीणों के इस दावे के बाद प्रदेश कांग्रेस ने घटना की वस्तुस्थिति जानने एवं जांच दल का गठन किया था, जो मौके पर गई तथा ग्रामीणों से बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी एकत्र किया। दिनांक 16/5/2024 दिन गुरुवार को जांच दल प्रातः 10 बजे बीजापुर से पीडिया के लिए संयोजक संतराम नेताम के नेतृत्व में
हमारे विधायक इंद्र साहब मंडावी जी, विक्रम मंडावी जी, जनक लाल ध्रुव जी, सावित्री मंडावी जी, रजनू नेताम जी, शंकर कुड़ियाम जी, छविंद्र कर्मा जी रवाना हुए। साथ ही पीड़ित परिवार के परिजन श्रीमती सुक्की कुंजाम, कुमारी ललिता, श्रीमती आवलम समली, बुद्रूराम बारसे, श्रीमती पोदिया, श्रीमती बोदे से अलग अलग पूछताछ कर बयान दिया गया, जिन्होंने अपने बयान में बताया कि पीड़िया नक्सली मुठभेड़ में पल्लेमपल्ली निवासी बुधु ओयाम, पालनार निवासी कल्लू पुन्नेम, इतवार निवासी इतावार निवासी लखी कुंजाम, उंडा छोटू, उर्सा छोटू, सुक्कू ताती, चैतू कुंजाम, सुनीता कुंजाम, के जोगा बारसी, पीड़िया निवासी सन्नू अवलम, भीमा ओयाम, दुल्ला तामो को पुलिस ने नक्सली बताकर मार दिए। इतावार निवासी कुमारी कुंजाम गुल्ली, कुमारी लेखा देवी कुंजाम, कुंजाम बुद्रू एवं पीड़िया निवासी ओयाम नंदू को घायल होना बताया। उन्होंने ये भी बताया गया कि मृतक मल्लेपल्ली निवासी बुधु ओयाम एवं पाल्यार निवासी कल्लू पुन्नेम नक्सली गतिविधियों में संगम सदस्य के रूप में कार्य करते थे। बाकी शेष मृतक व घायल किसी भी प्रकार के नक्सली गतिविधियों में शामिल नहीं थे। पुलिस निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर इनाम एवं प्रमोशन लेने के लिए घटना को अंजाम दिए हैं। घटना का न्यायिक जांच होना चाहिए।